उद्घाटन एवं सम्मान समारोह तथा विराट दंगल संपन्न। विकास खंड सेवरही के ग्राम सभा बौक खास में पंचायत भवन, आरआरसी सेंटर, विद्यालय बाउंड्री इत्यादि के उद्घाटन एवं सम्मान समारोह तथा विराट दंगल के कार्यक्रम के दौरान भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और देवरिया लोकसभा के भाजपा सांसद डॉक्टर रमापति राम त्रिपाठी ने उपरोक्त परियोजना का उद्घाटन किया। इस दौरान उप जिलाधिकारी विकास चंद्र जी, खंड विकास अधिकारी अनिल राय, जिला अध्यक्ष दुर्गेश राय, वरिष्ठ भाजपा नेता अजय तिवारी, जिला उपाध्यक्ष ओसीआर सिंह, ग्राम प्रधान गायत्री देवी, संतोष भारती, मंडल अध्यक्ष संजय राय, आनंद प्रकाश मिश्रा, विनोद सिंह राजपूत, दीपक सिंह, संगीताचार्य पावानगर, महावीर इंटर कॉलेज संचालक मनंजय तिवारी, सभासद अजय गुप्ता, अंजनी तिवारी, जेबी सिंह, राम नरेश दुबे, बरका तिवारी समेत सैकड़ों लोग मौजूद रहे। खास ग्राम सभा में उपस्थित है और मेरे साथ बात करने के लिए लोकप्रिय और विकास पुरुष सांसद है देवरिया के। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि कोई भी ऐसा सांसद नहीं होगा जिसके पूरे सांसदीय क्षेत्र में, सांसदीय क्षेत्र के प्रत्येक ग्राम सभा में उसके नाम का बोर्ड दिखाई दे, लेकिन सांसद जी जब भी क्षेत्र भ्रमण करते हैं तो दो चार लोकार्पण कर देते हैं। यानी कि कोई भी ऐसा ग्राम सभा नहीं होगा जहां सांसद जी के लोकार्पण का बोर्ड ना हो, नाम का बोर्ड ना हो। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और इस विकास की नहीं है तो 2024 भी आ रहा है। लगभग घमंडिया गठबंधन भी आपके साथ डुबकी लगाएगा तो उसका क्या नतीजा निकलने वाला है, क्या नतीजा निकलने वाला है? मंडिया गठबंधन जो है ये अपने अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए और संरक्षण के लिए देश के विकास और उत्थान का लक्ष्य नहीं है। ये सब लोग जिनके भ्रष्टाचार आरोपी है, जमानत पर आए हैं, जेल भी हो आए हैं और ये कहे तो सब जो है वो जेल जाने के लाइन में खड़े हैं। उसी से बचने के लिए और गठबंधन में अभी से दरार नहीं होती है। आकांक्षा भाजपा आकांक्षा भी सबकी प्रधानमंत्री न वो नेता चुन पा रहे हैं, कोई नीति निश्चित कर पा रहा है, न उनके पास कोई एजेंडा बन पा रहा है। एक एजेंडा है, ये बचाओ। तो निश्चित लड़ाई ये लड़ाई में खड़ा भी नहीं हो पाएंगे। श्रीमान नरेंद्र मोदी जी जिंदा है, हर गरीब का विकास, हर क्षेत्र का विकास और देश का उत्थान। भारत विश्व का श्रेष्ठ देश बने, विश्व ही बने और इस दिशा में दोष कह नहीं है। आज भारत विश्व के पक्ष में और आपके संसदीय क्षेत्र के लोगों ने कहा है कि चुनाव तो आते जाते रहेंगे लेकिन सांसद जी का ये जो कार्यकाल है, ये जो विकास का कार्यकाल है हमेशा याद रहेगा। तो आप उन लोगों की क्या कुछ कार्य हमारे क्षेत्र के लोगों ने जब मैं चुनाव लड़ने जब सुने थे तो बहुत मजबूत से नहीं थे, तो दिल खोल गए। यहाँ की जनता ने मुझे स्नेह दिया, समर्थन दिया, साथ दिया, मत दिया और कोर मत 57% मत होता। उसी दिन से मैं यहाँ का कलिकार हूँ और तब से मैंने निश्चय किया यही मेरा परिवार है, यही मेरा घर है। और जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जनता पार्टी। राय जी और आपके मंत्री भारती जी इन लोगों के सांसद दिखाना चाहेंगे बात खास। देखिए मैं यहाँ आपको अभिभूत हूँ, ये गांव नदी के किनारे और हमारा जो यहाँ का संतोष प्रधानमंत्री साथ वाले उसने यहाँ की प्रतिभा का सम्मान करने के लिए, लोगों का उत्साह बढ़ाने के लिए, लोगों का पौरुष बढ़ाने के लिए इंतजार करता है, तो सराहनीय है। साथ ही आज उन्होंने मुझसे इस पंचायत भवन पर लोकार्पण पर उसको भी देखा जाता है। लोग बनाते हैं तो उसमें सोचते हैं जिसमें मेरा लाभ है, तो देखने से लगा लाभ हाथी चिंता नहीं की आदर्श भवन बनाया, कहीं से कोई उसका देखेगा ना।
इसमें कुछ कमी नहीं निकलेगी और लगेगा जो लाख को ऑपरेशन से खर्च हुआ है सुंदर पंचायत और भव्य और साथ ही जनता के लिए सर स्थल इसके दरवाजे पर जाने से पहले होता है ये मंदिर है पंचायत और उसका भी आज उद्घाटन नहीं किया उसके लिए भी वो संतोष भारती को मुख्यमंत्री श्री द्वारा प्रशंसा करता हूँ और शुभकामना देता हूँ निरंतर ऐसे समाज सेवा करते हुए वो संगठन का भी विस्तार करें हमने बहुत बड़ा स्थान किया है और साथ ही राज विधान का दायित्व है उसमें भी वो कड़ी लागू से थैंक यू सर, थैंक यू हमारे साथ जो है और गांव के बिल्कुल सुदूर क्षेत्र जैसा कि सांसद जी ने बिल्कुल सही कहा, हम इसको देरा कहें तो कुछ गलत नहीं होगा और देरे में विकास पहुंचा है सांसद जी का तो निश्चित रूप से इनकी लोकप्रियता पे चार चांद लगाता है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए यूपी न्यूज 21, साथी पत्रकार मनीष तिवारी के साथ विकास तिवारी बात खास।